मणिपुर के अंदर एक विलेज था, उसके अंदर है ना लोग बाग बड़े परेशान थे। क्यों परेशान थे? इसलिए परेशान थे क्योंकि यहां पर सड़क नहीं थी, यहां पर एक तरह से रोड नहीं थी। तो जैसे ही आईएएस ऑफिसर बने, इनको वहां का चार्ज मिला ना, ठीक है, ही वॉज वेरी यंग आईएएस ऑफिसर, ठीक है। तो वहां पर लोगों से पूछा कि भाई आपको क्या चाहिए, है ना। अब आप देखना किस तरह से एक गवर्नमेंट ऑफिसर को काम करना चाहिए, इसके अंदर हम ये समझेंगे, ठीक है। तो ये एसडीएम थे उस विलेज के, मणिपुर के विलेज के अंदर। उन्होंने देखा कि यहाँ पर लोग जो है ना बड़े परेशान है। लोगों को अगर मान लो कोई बीमार हो जाता है, तो बीमार हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पक्की सड़क नहीं है, तो सड़क नहीं है तो उसके कारण लोगों को ऐसे एक तरह से बैलगाड़ी में लेकर जाना पड़ता है, ठीक है। बैलगाड़ी भी नहीं चल पाती है तो उनको स्ट्रेचर के ऊपर लाद कर फिर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से अब खुद ही चलकर जाना पड़ता है, मतलब यहाँ पर है ना कोई ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पर साधन नहीं है, ठीक है। कोई भी जैसे राइस यहाँ पे उगाया लोगों ने, फार्मर के अंदर फार्मर्स ने राइस उगाया, तो राइस उगाया तो उसकी बोरियां उनको लाद कर लेकर जानी पड़ रही है। इस तरह से बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम थी क्योंकि यहाँ पर सड़क नहीं थी। अब उन्होंने इनसे पूछा कि भाई बताओ कि तुम्हारे लिए क्या करूं मैं। तो उन्होंने बोला भाई कुछ मत करो, सड़क बनवा दो। अब आईएएस ऑफिसर को बोला सड़क बनवा दो, तो ये क्या करें, ये गवर्नमेंट के पास गए। गवर्नमेंट ने बोला भैया हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, और इस गाँव में सड़क बनाने की क्या जरूरत है। इस तरह से यहाँ पर इनको गवर्नमेंट के द्वारा तो यहाँ पर चुप करा दिया गया। गवर्नमेंट ने कहा कि हम नहीं बना सकते, मतलब करना होगा तो तुम्हें ही करना होगा, राइट। तो आपने सुना भी होगा एक आईएएस ऑफिसर जिसने खुद ने ही सड़क बना दी, बिना गवर्नमेंट की मदद के सड़क बना दी, ठीक है। तो यहां पर आप देखो कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो दो तीन वैल्यू सिस्टम आपको यहां पर दिखेगी, ठीक है। पहले मैं इसको पढ़ देता हूं एक बार। इन 2012 आर्मस्ट्रांग पामे बिकेम एसडीएम ऑफ द टोसेम, मणिपुर एक रीजन है, ठीक है, मणिपुर का एक विलेज है। विटनेसिंग द स्ट्रगल्स ऑफ द विलेजर्स हु कैरीड सैक्स ऑफ द राइस एंड ट्रांसपोर्टेड पेशेंट्स ऑन मेक शिफ्ट स्ट्रेचर ड्यू टू द पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी एम्बुलेंस वेम्बुलेंस और इसकी फैसिलिटी छोड़ो, सड़क ही नहीं थी। मूव्ड बाय देयर प्लाइट ही सॉट टू बिल्ड अ रोड बट फेस फंडिंग चैलेंजेस फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरफ बहुत ज्यादा फंडिंग चैलेंजेस यहाँ पर दिखा। अब इस बंदे को क्या लगेगा, गवर्नमेंट ने मना कर दिया। अब एक नॉर्मल आईएएस ऑफिसर होता, ठीक है, जो कि कंपैशनेट नहीं होता, जो कि एम्पैथेटिक नहीं होता, जो कि लोगों के लिए नहीं सोचता, वो क्या करता, वो कहता है यार भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट ने मना कर दिया, है ना। अब मैं क्या करूं, गवर्नमेंट ने तो मना कर दिया है, मैं क्या करूं उसके अंदर, ठीक है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता इसमें। बट इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक तरह से फेसबुक के ऊपर सोशल फंडिंग का एक प्रोग्राम चलाया, ठीक है, सोशल फंडिंग कि भाई हमको गाँव में सड़क बनानी, गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड, इस गांव के लोगों की बहुत ज्यादा हालत खराब है, ठीक है, लोग जो है बिल्कुल डेवलप नहीं कर पा रहे, तो यहां पर सड़क बनाने के लिए मुझे सोशल फंडिंग चाहिए। तो उन्होंने फेसबुक पर एक कैंपेन चलाया और फेसबुक पे कैंपेन चलाकर कम्युनिटी को उससे जोड़ा। इन्होंने खुद की सैलरी के अंदर से 5 लाख रुपए पहले डोनेट करे, इनके भाई ने 1 लाख रुपए डोनेट करे, इस तरह से इन्होंने डोनेशन स्टार्ट करा और फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, एक तरह से ये कैंपेन चलाया। अब ये कैंपेन धीरे धीरे फेमस होने लग गया, ठीक है, और इन्होंने क्या करा, उन्होंने बहुत सारे पैसे इकट्ठे इससे कर लिए। चलो तो आप देख रहे चलो हैं, अब यहां पर देखो, आप एक बात सोचो कि ही चलो है ना। यहां पर आप देखो, यहां पर क्या क्या चीजें आपको दिख रही है। एक तो सबसे पहले ये गए, ठीक है, कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हैं, तो मतलब कम्युनिटी से पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। तो समझ रहे हैं कि एक आईएएस ऑफिसर को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसकी कम्युनिटी की क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता, आप क्या कर रहे हैं, जाकर आपने क्या कर दिया, सिर्फ आपको सड़क बनवानी थी, आपने एक तरह से कुआं खुदवा दिया, ठीक है, तो दैट इज नॉट राइट। तो उन्होंने जाकर उनसे पूछा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। उन लोगों ने बताया कि भाई हमारी ये परेशानी है, इस परेशानी को सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट के पास गए, गवर्नमेंट ने मना कर दिया। इनका काम यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट है ये, और कुछ कर नहीं सकते, राइट। इन्होंने कहा कि यार गवर्नमेंट से मैंने बहुत बोला पर उन्होंने माना नहीं, मैं कितना कंपैशनेट हूं, ऐसा सोच कर बंद हो सकते थे, ठीक है। बट वो इतने ज्यादा इस चीज से हिल चुके थे, ठीक है, लोगों को देखकर, लोगों की पीड़ा समझकर, मतलब इनके अंदर एक भाव होना चाहिए, है ना, तभी जाकर ऐसा हो सकता है, करुणा का भाव होना चाहिए, ठीक है। करुणा का भाव मतलब कंपैशन एक होना चाहिए, कंपैशन यहां से अपन ये सीख रहे हैं। यहां पर उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझा, एम्पैथेटिक, ठीक है। इन्होंने लोगों के से जाकर बात करी तो ही इज ए गुड लिसनर, जाकर वहां पे उन्होंने उनको उनसे पूछा कि भाई क्या चीज है आपकी, कम्युनिटी को एक तरह से उन्होंने कम्युनिटी को इंगेज करने की कोशिश करा, एक तरह से पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के अंदर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कम्युनिटी की बात सुने कि वो एक्चुअल में उनको क्या चाहिए, ठीक है। इनका प्रोएक्टिवनेस, ठीक है,
फिर क्या हुआ, आगे चलकर अभी और कहानी सुनते हैं। फिर लोगों ने इनकी मदद करने लग गए। अब लोग मदद करने लग गए तो ये थोड़े से एक तरह से लाइमलाइट में भी आ गए मीडिया के अंदर, तो बहुत सारा पैसा इन्होंने इकट्ठा करा। बहुत सारा नहीं, सड़क बनाने के लिए इंपॉर्टेंटली बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, ठीक है, बट इनको 40 लाख रुपए इनके इकट्ठे हो गए। अब क्या हुआ, 40 लाख रुपए वॉज नॉट इनफ, है ना, 40 लाख रुपए एक 100 किलोमीटर रोड बनाने के लिए इनफ नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होनी पड़ेंगी जो कि रिसोर्सेज, अगर आप देखें रिसोर्सेज के अंदर बहुत सारी चीजें चाहिए, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी बजरी वो सब चीजें जो कंस्ट्रक्शन के लिए काम आती है वो सब चाहिए, प्लस लेबर कॉस्ट, ये सब चीजें उनको चाहिए। अब वो क्या करेंगे, अब उन्होंने कहा कि साहब पैसा तो आ गया है पर अब ये नहीं है, लेबर नहीं है हमारे पास। तो फिर क्या हुआ, गांव वालों ने खुद ने यहां पर देखा कि भाई ये बंदा इतना ज्यादा कमिटेडली हमारे लिए काम कर रहा है, तो गांव वाले सब मिलकर एक तरह से यहां पर लेबर प्रोवाइड करने लगे। सारे गांव वाले अपने जो भी औजार औजार थे सब लेकर आए और सड़क बनाने लग गए। कैन यू इमेजिन दिस, ठीक है, कि एक जगह जहां पे बिल्कुल सड़क नहीं थी, गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है, गवर्नमेंट से सबका भरोसा उठ गया है। एक बंदा आता है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर, वो कहता है तुम्हें क्या चाहिए, बोले साहब सड़क बनवा कर दे दो, दे सकते हो, तो वो गया गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट उनकी कोई हेल्प नहीं कर रही है। फिर उसने खुद ने सोशल फंडिंग करी, खुद ने अपने फंड के अंदर पैसे डाले, ठीक है, लोगों से लिए, फैमिली मेंबर से लिए, और स्टार्ट करा उसने चैरिटी करना, चैरिटी कलेक्ट करना। और चैरिटी कलेक्ट करते 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 आप देखेंगे कि वो आगे बढ़े और उनको 40 लाख रुपए तक उनके इकट्ठे हो गए, पर 40 लाख रुपए वॉज नॉट इनफ। तो अब लोगों के अंदर एक तरह से ट्रस्ट आएगा, अब एक तरह से लोग जो है गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि ये बंदा हमारी बहुत हेल्प कर रहा है, इसने देखो सबकी सब जगह से जाकर हर तरह से प्रयास कर रहा है, तो वेन ऑफिसर इज कमिटेड तो पीपल उसके साथ खड़े हो ही जाते हैं, तब फिर लोग उसके साथ खड़े होंगे ही होंगे, दैट इज फॉर श्योर। कमिटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, डेडिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा, तब लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो लोग खुद यहां पर क्या करने लग गए, यहां पर खड़े हो जाएंगे उनके साथ। देखो अनडेटेड ही रेज 40 लाख थ्रू द पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द सोशल मीडिया आउटरीच, ठीक है, द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड विद द कम्युनिटी सपोर्ट एंड मिनिमल गवर्नमेंट फंडिंग। आप देखेंगे यहां पर कम्युनिटी के लोग यहां पर क्या है, खुद अपने घर से ये सब निकालकर यहां पर काम करने लग गए। और जब उसने ये देखा कि भाई लोग हमारे साथ आ गए, एक बार लोग साथ में आ जाते हैं तो बड़े से बड़ा काम हो जाता है। तो कम्युनिटी का एंगेजमेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। एक आईएएस ऑफिसर के लिए इससे अच्छा एग्जाम्पल, मतलब एक आईएएस एस्पिरेंट के लिए इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कम्युनिटी एंगेजमेंट का। यहां पर उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कम्युनिटी इनके साथ आई, क्यों आई इनके साथ, बिकॉज ऑफ हिज कंपैशन, बिकॉज ऑफ हिज स्किल्स ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट, बिकॉज ऑफ हिज प्रोएक्टिवनेस, बिकॉज ऑफ हिज इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। तो आपको एक आईएएस ऑफिसर बनना है, इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने मदद करी तो ठीक है, नहीं, उसके आगे बढ़कर भी आपको करना पड़ेगा काम, ठीक है, आपको एक सोशल रिफॉर्मर की तरह काम करना पड़ेगा वहां पर। आपको एक समाज के अंदर जो आप देखेंगे बहुत सारे जो सेक्शंस बने हुए उन सबको मिलाना पड़ेगा, आपको उनको एक बनाना पड़ेगा, और एक बनाकर फिर उनके साथ एंगेज करना पड़ेगा, फिर एक तरह से आपकी प्रोएक्टिवनेस कितनी है वो देखी जाएगी, और लीडरशिप क्वालिटी और वो सब चीजें देखी जाएगी, तब जाकर लोग जो होंगे आपसे जुड़ेंगे। और एक बार आपसे जुड़ गए तो फिर चीजें बहुत आसान हो जाती। तो कितना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। देखो इनके अंदर इनसे हम क्या सीख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कंपैशन। कंपैशन मतलब कि आपके अंदर एम्पैथी प्लस एक्शन आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। एम्पैथेटिक, ही वाज वेरी एम्पैथेटिक, कि उसको देखा, उसने जब लोगों को देखा तो हो सकता है आप उसके एक एज ए पर्सन आप सोच कर देखिए, अगर मान लीजिए आप उनकी जगह होते हैं, ठीक है, और आप ये सब काम कर रहे होते, तो आपके अंदर कितना आपका मन द्रवित होगा, तब जाकर आप ये काम कर पाओगे, कितना ज्यादा कंपैशन इकट्ठा हुआ होगा, ठीक है, तब जाकर ये काम हो पाएगा। तो कितना ज्यादा कंपैशनेट होगा वो, नहीं तो वो अपनी लाइबिलिटी यहां पर खत्म कर सकता था कि भाई साहब मेरी कोई नहीं बनती है इधर, सरकार से बोला सरकार ने मना कर दिया, देखो मैंने सरकार से तो बोला, ठीक है, बट उसके आगे, तभी हम इनको पढ़ रहे हैं। आर्मस्ट्रांग पेमे कंपैशनेट एटीट्यूड इज एविडेंट इन हिज पर्सनल इन्वेस्टमेंट इन द कम्युनिटीज वेलबींग, रेदर देन रिमेनिंग पैसिव ही ट्रांसपोर्ट हिज इमोशनल कनेक्ट इन टू एक्शन। ये समझ रहे हैं, इमोशनल कनेक्शन जो है उसको एक्शन के अंदर कन्वर्ट करा बाय रेजिंग फंड एंड मोबिलाइजिंग लोकल्स टू बिल्ड अ मच नीडेड रोड, ठीक है। अब यहां पर सुन लो, मैंने आपको इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या सिखाया था बच्चों, कि इमोशन प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग एनर्जी। इन सब काम करने के लिए इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी आएगी, पर वो कहां से आएगी, इमोशन से आएगी। अगर वो इमोशन लेस आदमी होता तो उसको मतलब ही नहीं, उसको मतलब ही नहीं किसी का काम करने का, नहीं करने का, उसके पास कोई आया साहब
मेरा ऐसा ऐसा है, बच्चा बीमार हो जाता है तो हमको ऐसे जाना पड़ता है, ऐसे जाना, उसके अंदर इमोशन ही जनरेट नहीं हो रहे तो काम क्या करेगा। पहले इसके अंदर इमोशन जनरेट हुए और उन इमोशन ने इतनी ज्यादा इसको एनर्जी दे दी, ठीक है, इस ऑफिसर को इतनी ज्यादा एनर्जी दे दी कि इन्होंने साम दाम दंड भेद करके रोड बना ही दी, फिर 100 किलोमीटर की रोड अपने ही बिना गवर्नमेंट की मदद से, मिनिमल गवर्नमेंट का जो था सपोर्ट था, और पूरा का पूरा उन्होंने रोड बना लिया। तो इसलिए इनको मिरेकल मैन ऑफ मणिपुर कहते हैं, ये तो कोई जादूगर ही कर सकता है ऐसा काम, राइट। तो यहां पर देखो, दिस प्रोजेक्ट कंप्लीटेड विद द कम्युनिटी सपोर्ट एंड मिनिमल गवर्नमेंट फंडिंग शोकेस हिज रिसोर्सफुलनेस, कितना तगड़ा उसने रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करा होगा, पैसे कम है, ठीक है, एंड डेडिकेशन टू इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द अनडिजर्व एंड अंडरसर्व्ड एरियाज, अंडरसर्व्ड एरियाज के अंदर किस तरह से उसने करा, जहां पर कोई नहीं देख रहा, गवर्नमेंट भी नहीं देख रही, वहां पर ये देख रहे हैं। और आप देखेंगे 100 किलोमीटर की रोड उन्होंने बनाई है विदाउट गवर्नमेंट हेल्प। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको लिखने होंगे। तो यहां पर आपको दिखा ये कंपैशन उनका, फिर कम्युनिटी इंगेजमेंट, पामे फोस्टर्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द कम्युनिटी, ठीक है। अब कम्युनिटी के साथ रिलेशन कैसे, ऐसी कम्युनिटी जिनको पता है गवर्नमेंट हमारी हेल्प ही नहीं कर रही, गवर्नमेंट तो आती नहीं यहाँ पर, रोड तो छोड़ो कुछ और बेसिक फैसिलिटीज भी यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा, लोगों की प्रॉब्लम को सुना। मतलब ही आपने कहा था इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर यू शुड बी ए गुड लिसनर, ठीक है, तभी जाकर आप सोशल कैपिटल जनरेट कर पाओगे, ठीक है। ये सारे वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये आपकी कॉपीज के अंदर आने चाहिए, अपने कई बार पढ़ चुके हैं। तो उसके देखिए ये लाइव एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कि कैसे उसने करा होगा। आपने कहा ना कि भाई सर इमोशनल इंटेलिजेंस को सिविल सर्विसेज के अंदर कैसे यूज करा जाए, ऐसे यूज करा जाए साहब, ठीक है। तो उन्होंने एक तरह से रिलेशनशिप बनाया, कम्युनिटी के इमोशंस को समझे, इमोशन समझकर उसके हिसाब से उन्होंने एक तरह से लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पर प्रोवाइड करी, राइट। और उनके स्ट्रगल को, ऐसा नहीं कि उनके स्ट्रगल को समझा नहीं, उसके अंदर एम्पैथी होगी तभी जाके वो स्ट्रगल को समझ पाएगा, ठीक है। तो उनके स्ट्रगल को एक्नॉलेज करा उन्होंने, राइट। इससे लोग उनके ट्रस्ट में आ गए, लोग ट्रस्ट में आ गए तो लोग भी क्या हो गए, एक तरह से सोचने लगे कोई हमारे लिए इतना काम कर रहा है, हम वो भी अपने आप को वैल्यूड फील करेंगे, ठीक है, कि हम भी कुछ हैं। तो यहां पर देखो, पामे फोस्टर्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द कम्युनिटी, लिसनिंग टू देयर स्टोरीज एंड एक्नोलेजिंग देयर स्ट्रगल्स, दिस अप्रोच नॉट ओनली हेल्प हिम अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स बेटर बट ऑल्सो बिल्ड ट्रस्ट, मेकिंग विलेजर्स फील वैल्यूड एंड हर्ड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ऐसे हमको ये एग्जाम्पल्स हमको इसके अंदर लिखने होते हैं, राइट। फिर हम देखेंगे इनकी प्रोएक्टिवनेस, ही डिड नॉट वेट फॉर द ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस, कि भाई ब्यूरोक्रेसी के अंदर ही अटके रह जाओगे तो दिक्कत होगा, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड ही रखोगे तो फिर दिक्कत होगा, फिर तो रूल्स रेगुलेशन और सेंक्शन करवाना, फंड और ये सब चीजें, इनमें अटके रह जाओगे। इंस्टेड ही टुक द इनिशिएटिव टू रेज द फंड एंड मोबिलाइज कम्युनिटी एफर्ट्स टू एड्रेस देयर नीड्स, दिस प्रोएक्टिव स्टांस इलस्ट्रेट दैट हिज एम्पैथी ड्राइव्स मीनिंगफुल चेंज, उसकी एम्पैथी ने एक तरह से मीनिंगफुल चेंज लेकर आया है, एम्पैथेटिक हो गई तभी आपके अंदर प्रोएक्टिवनेस आई, समझ में आ रहा है। फिर इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, हिज कंपैशनेट एटीट्यूड इंस्पायर्ड अदर्स टू ज्वाइन दिस कॉज बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग जेन्युइन कंसर्न फॉर देयर चैलेंजेस, ही मोटिवेटेड कम्युनिटी मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन द रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ठीक है, रीइंफोर्सिंग सेंस ऑफ कलेक्टिव पर्पस एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो भाई ये भी आप इसके अंदर समझ गए किस तरह से कम्युनिटी को कनेक्ट करा जाता है, इसका भी एग्जाम्पल आपके पास आ गया, किस तरह से करप्शन के अंदर अनडेटर्ड आपको रहना है उसका एग्जाम्पल आपके पास आ गया। आप हेलो एवरीवन, कैसे लग रहा है आपको ये कोर्स, आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस। मैं आपको बीच में इसलिए डिस्टर्ब करने आ गया, एक चीज याद दिलानी है आपको कि आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाते रहे, दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एग्जामिनेशन के अंदर, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू लेट यू नो इज दैट कि हमने एक और कोर्स डिजाइन कराया आपके लिए, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दिस बैच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गिविंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अगेन एंड अगेन बट गॉट फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें साहब, उनको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, उनको ये लगता है कि हमारी प्रॉब्लम कोई समझ नहीं पाता, हम कोई इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो इंस्टीट्यूट वाला हमको टेस्ट सीरीज सजेस्ट कर देगा, टेस्ट सीरीज कर लो, टेस्ट सीरीज के हम करते हैं क्वेश्चंस बट वो क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर। आप मेहनत बहुत कर रहे हो बट यहां पर एक दिक्कत आ रही है आपको, आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इसलिए कवर नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि आप यहां पर दो गलतियां कर रहे हैं मेजर, और दो गलतियों में से पहली गलती आपकी लाइफ स्टाइल है और दूसरी गलती आपकी है कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, या फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका नहीं पता है, राइट। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए कम से कम 5,000 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, हम इस बैच के अंदर आपको 9,000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, दैट इज अवर टारगेट। और इस बैच के अंदर आपको वीडियो कोर्सेज भी दिए जाएंगे
जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर इस बैच के अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग पे भी हमारा फोकस रहेगा। देखिए ये जो सिलेक्शन बैच है ये हम उन स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं जो कि थोड़े बहुत पढ़ लिए हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। इसके अंदर हम आपको कंप्लीट क्लासेस करवाएंगे, बट उसके साथ साथ हमारा एमसीक्यू के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। हम ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। आप टेस्ट सीरीज लेते हैं, टेस्ट सीरीज लेने से कुछ फायदा नहीं होगा। पिछले साल भी आपने ली थी, उससे पिछले साल भी आपने ली थी, बट ये कोर्स से आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं, राइट? अगर आप इस कोर्स को ढंग से फॉलो करोगे तो इस कोर्स को बनाने के लिए, इसको विचार करने के लिए इसके ऊपर, ठीक है, मेरे को कम से कम एक महीना लगा है कि किस तरह से इस कोर्स को डिजाइन करो, और हमारी पूरी टीम लग रही है इसके अंदर। सारी क्लासेस मैं लूंगा पर बैकअप के अंदर पूरी टीम्स को, क्योंकि हमको 9000 प्लस क्वेश्चंस बनाने हैं और वो भी यूपीएससी लेवल से थोड़े से ऊपर बनाने हैं क्वेश्चंस। वो सारे क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करवाएंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ सीसेट का भी है। चलो हमारा जो फोकस है वो ये है कि आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकालें, और इसके लिए हमने बैच अनाउंस करा। इसकी डिटेल्स इस तरह से, इस क्लास के अंदर पूरा का पूरा एमसीक्यू कैसे आपको सॉल्व करना था, वो क्या आपका आंसर है, वो सब चीजें इसके अंदर डिस्कस हो। एक शेड्यूलिंग करा जाएगा सब्जेक्ट वाइज, किस दिन कौन से टॉपिक्स के एमसीक्यू सॉल्व होंगे। आप पढ़ चुके हैं चीजों को सारी, बस आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और फिर ठीक 12 बजे आपको एक एमसीक्यू टेस्ट हम देंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट होगा, जिसके अंदर जीएस के 30 क्वेश्चंस होंगे और 2 क्वेश्चंस आपके कॉम्प्रिहेंशन के होंगे। उन 30 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट्स के अंदर स्टार्टिंग में, और फिर ये टाइम हम धीरे धीरे कम करते जाएंगे, और जो 2 कॉम्प्रिहेंशन है आपको 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने हैं, और बाकी के जो मिनट बचते हैं उसके अंदर आप अपने एनालिसिस करिए, आप वापस से उन क्वेश्चंस को पढ़िए, आप देखिए कि क्या क्या हमने कुछ गलत करा है कि नहीं करा है। इसके बाद इन्हीं क्लासेस का आपका डिस्कशन होगा, जो कि आपका 5 बजे डिस्कशन होगा। शाम को 5 बजे जब इस टेस्ट का डिस्कशन होगा तब आपको अपनी असली गलतियों का पता चलेगा, और इसके बाद लास्ट के अंदर हम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको या तो कोई रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे या फिर हम आपकी लाइव क्लासेस लेंगे। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा दिन शेड्यूल होगा। इसके अंदर बहुत सारा टाइम आपको मिल गया अपनी सेल्फ स्टडी के लिए भी। आप पढ़ बहुत लिए हैं पहले ही, मैं आपको बता रहा हूं, अब बात पढ़ने की नहीं रह गई है, अब बात है सॉल्व करने की क्वेश्चंस। और क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर हम, आप यहां पर देखेंगे अगर आप, तो यहां पर आपको अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस हम सॉल्व करवा दिए, और मोर देन 50 क्वेश्चंस। ये बैच जो होगा दैट विल गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द नवंबर, और 15 नवंबर से बैच स्टार्ट होगा। नवंबर चलेगा, दिसंबर चलेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो यू हैव मोर देन 150 डेज। हम 150 डेज से हमारे पास ज्यादा है, या फिर हम मान कर चले कुछ छुट्टियां भी होंगी तो 150 डेज आपके पास है, और 150 डेज के अंदर आप हर दिन जो है 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब आप 9000 क्वेश्चन कर चुके हैं, और अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर। अब आप पूरी उस काट की तलवार से आप पूरी प्रैक्टिस कर चुके हैं, और सिर्फ यही नहीं, हम आपको बहुत सारी चीजें और प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर। हम आपको स्पेशल लाइव क्लासेस देंगे सी सेट के लिए, कि आपका सी सेट कंप्लीट हो। इसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन की तो हम आपको डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसके अलावा आपको सी सेट की लाइव क्लासेस आपको दे रहे हैं, राइट, जिसमें कुछ टॉपिक्स, पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे। रिकॉर्डेड मॉड्यूलर बैचेस के कोर्स दे रहे हैं हम आपको, जिसके अंदर से आपके जो भी टॉपिक वीक है आपको वो करने हैं। इसी के साथ साथ लाइफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस आपकी होंगी। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी लाइव क्लासेस होंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, जो कि बहुत टिपिकल रहता है। आप यहाँ पर देखिए डेली के 60 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। अगेन आई एम सेइंग, अगर आप 7000 से 9000 क्वेश्चन के बीच में सॉल्व कर लेते हैं तो आपके प्रीलिम्स के सिलेक्शन को रोकने वाला कोई नहीं है, बिलीव मी। बट इसके लिए मुझे ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो कि बहुत डेडिकेटेड हो। इसके लिए मुझे बहुत सारे अर्जुन चाहिए, जिनको मैं प्रैक्टिस करा करा के बेस्ट बना सकूं। आप लोगों के अंदर अगर डेडिकेशन है, अगर आप ये शेड्यूल को फॉलो कर पाए, तो मैं आपको इस बैच के अंदर इनवाइट करता हूं। मैं आपको इस बैच के अंदर गारंटी देता हूं कि मैं अपनी पूरी मेहनत इस बैच के अंदर लगा दूंगा, पर आप मुझे ये गारंटी दो कि क्या आप इसको फॉलो कर पाओगे। बहुत सोच समझ कर इस बैच के अंदर आना। इस बैच के अंदर हम बहुत मेहनत करने वाले हैं, और ये एक तरह से आपके लाइफ के अंदर टर्निंग पॉइंट होगा ये बैच, क्योंकि इस बैच के अंदर आपको डिसिप्लिन रहना भी सिखाया जाएगा, आपका बिहेवियर चेंज करना भी सिखाया जाएगा, आपका एटीट्यूड भी बदलेगा। आपको ये समझ में आएगा कि किसी चीज़ की प्रिपरेशन करनी है तो कितना डेडिकेशन उसके लिए चाहिए होता है, और ये आपकी लाइफ टाइम काम आएगा। और एक बार आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे तो बच्चों
मैं आपको फिर मेंस की भी इसी तरह का कोई बैच स्टार्ट करूंगा। इस बैच की पूरी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन की, किसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि बैच जो है 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, बट इसका रजिस्ट्रेशन आज से ही स्टार्ट हो रहा है। अब बात आती है कि इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पर देखें कि 15 नवंबर से ये बैच स्टार्ट होगा और इस बैच का रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो रहा है। तो बैच रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे ओनली। और जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ये हम बहुत ही डेडिकेटेड सोल्स के लिए कर रहे हैं, डेडिकेटेड स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, और इसके अंदर सिर्फ वही स्टूडेंट्स होंगे जो कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे चुके हैं। हम सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को यहां पर कैटर कर रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। तो अगर आपने कभी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं दिया है तो इस बैच के अंदर यू आर नॉट एलिजिबल। देखिए, इस बैच के अंदर बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 30 स्टूडेंट्स को हम एनरोल करेंगे। 30 स्टूडेंट्स होते ही ये बैच जो होगा बंद हो जाएगा। और इस बैच के अंदर कैसे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आई विल लेट यू नो, बट बिफोर दैट इस बैच की फीस जो होगी टोटल फीस सिर्फ और सिर्फ 19,500 है। ये 19,500 फीस कुछ नहीं है। जिस तरह की हम मेहनत करने वाले हैं, जिस तरह की इसके अंदर आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी, उसके आगे ये 19,500 नहीं है कुछ भी। क्योंकि हम आपको पूरे मॉड्यूलर कोर्सेज दे रहे हैं, जो मॉड्यूलर कोर्सेज, एक कोर्स हमारा 4,000 रुपए का है, वो कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपकी लाइव क्लासेस भी ले रहे हैं। और इन सब से हटकर वो चीज, वो जो बड़ी दो गलतियां हैं, उन दो गलतियों को करने से रोक रहे हैं आपको। अगर आप 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर भी आपका नहीं हो रहा है, अगर आप वो दो गलतियों को ही सॉल्व कर लोगे तो आपका सिलेक्शन शॉर्ट शॉर्ट है। और इसके अलावा आपको इतने सारे फीचर्स और प्रोवाइड करे जा रहे हैं। और ये बातें तो जो हैं वो मैंने आपको बताई हैं, कुछ ऐसी भी बातें होंगी जो हम इनोवेट करेंगे। रास्ता चलते चलते हम बहुत सारी चीजें और भी चीजें इसके अंदर इनोवेट करेंगे। तो ये बैच सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मस्ट ज्वाइन बैच। बट इसके अंदर लिमिटेड सीट है, क्योंकि हम 30 स्टूडेंट से ज्यादा हम भी किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते, इसलिए 30 ही स्टूडेंट्स बैच के अंदर रहेंगे। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।